न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति की प्रमुख बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें क्या क्या कुछ बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं आपको। सभी स्कूलों को राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखनी होगी और इन छात्रों को एडमिशन देना होगा। इसके अलावा यूजीसी और एआईसीटी को मिलाकर एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन को बनाया गया जरूरी, इसके साथ ही छात्रों को शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा, हो सके इसके लिए पढ़ाई के साथ फिजिकल एजुकेशन को जरूरी बनाने का नियम रखा गया है। सभी छात्रों को स्कूल के हर स्तर पर खेल, मार्शल आर्ट्स, डांस, गार्डनिंग और योगा जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी सुनिश्चित की जाएगी। नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषा सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को कक्षा 6 से 8 के बीच कम से कम 2 साल के लैंग्वेज कोर्स भी प्रस्तावित हैं। रिसर्च में किया गया बदलाव, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री का प्रोग्राम होगा, जबकि लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल की डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकते हैं, इसके लिए एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार होगा। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें अंतिम वर्ष 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल है। नए कौशल जैसे कोडिंग का शुरू किया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रेन एवं चाइल्ड गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशन को जोड़ा जाएगा। नई नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें ECE स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्जाम को भाग में बांटा जाएगा। बच्चों को रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम एक लाइफ स्किल होगी। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। आने वाले समय में शिक्षा और छात्रों का अनुपात 1:30 होगा। नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स के सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर कर सकता है। अभी क्या था कि कोई कोर्स कर रहा है, दूसरा रोक के दूसरा नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा बदलाव है वो कोर्स रोक के दूसरा कोर्स भी कर सकता है, फिर उसको बाद में कंप्लीट कर ले जो पिछला वाला कोर्स है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन कानून दायरे में व्यापक बनाया गया। अब 3 साल से 18 वर्ष बच्चों को अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विद्यालयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने की जरूरी कौशल, लाइफ स्किल और जरूरी क्षमताओं को विकसित किए जाने पर जोर देती है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता पढ़ाई पर जोर दिया गया है। अब हायर एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदला जाएगा। अब कोर्स के दौरान कई कक्षा में निकलने वाले या प्रवेश करने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की
से रोकने की सिफारिश की गई है। इसमें क्या है, एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कर देंगे जिसके तहत जो भी फीस वगैरह और भी चीज़ें रूल रेगुलेशन है इसके तहत कंट्रोल किया जाएगा। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षक कार्यों को विश्वविद्यालय और कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को भारतीय लोगों, उनकी परंपराओं, संस्कृतियों, भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेज़ी से बदलते समाज की ज़रूरतों के आधार पर तैयार किया गया है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। इसके लिए जरिए भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा। साथ है वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के संस्कृत, कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। ये तो हुई इन सबकी, ये सब बदलाव किए गए हैं। और भी इस तरह के वीडियोज को अपडेट रखने करने के लिए आप BK एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।